हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, बढ़िया रैली है। तकरीबन तकरीबन 4.5% का ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिला है आज ही के दिन में। और रीजन भी है इस तेजी का, क्योंकि कल एक बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी फंड रेजिंग को लेकर। IDFC फर्स्ट बैंक में कल एक बड़ी मीटिंग होनी है, बोर्ड मीटिंग इनकी होनी है। और अगर मैं चैनल को रेगुलर फॉलो करती हूँ तो IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर मैंने पिछले कई वक्त से वीडियो बना रहा हूँ और हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है, खास करके कोरोना काल में। कोरोना आने के बाद मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी थी, वरना उससे पहले मैंने कभी भी IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह आपको नहीं दी थी। देखिए, जब 1 जून को 23 रुपए का ये शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि मौका है खरीदारी का, चूकिएगा मत, क्योंकि नतीजे आए थे, बेहतर नतीजे थे। और मार्च क्वार्टर के अच्छे नतीजे की बदौलत मैंने पहली बार IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह दी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 30 रुपए के ऊपर अक्टूबर महीने में शेयर ट्रेड कर रहा था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 20 अक्टूबर को 31 का शेयर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 16 नवंबर को 33 रुपए का शेयर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 6 जनवरी को 41 रुपीज का शेयर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और हाल फिलहाल में 11 फरवरी को 52 रुपीज का शेयर था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि खरीदारी करिएगा यहाँ पर, लेकिन बेचने की गलती मत करिएगा, ये मैंने तब भी कहा था। और आज जब शेयर 56 रुपीज पर है, तो बात करना बनता भी है कि क्या यहाँ पर अभी भी बने रहना चाहिए, क्या अभी भी फ्रेश बाइंग के मौके है कि नहीं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। 56 रुपीज का ये शेयर है और पिछले 1 महीने में हम देखें तो पिछले 1 महीने में 16% का ग्रोथ यहाँ पर आया है। 16% का ग्रोथ है। आप देखिए, 46 रुपीज का ये शेयर था और 1 महीने और कुछ ही दिनों में 46 रुपीज का शेयर 56 रुपीज तक पहुंच चुका है। इतनी दमदार रैली यहां पर देखने को मिली है, अच्छी खासी रिकवरी चल रही है और यहां पर इसमें कोई शक नहीं है। 3 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो 6% का ग्रोथ अभी भी है। देखिए, कोरोना काल में जब शेयर 18 रुपए तक टूट गया था, तब पहली बार मैंने आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी, क्योंकि मार्च क्वार्टर के तब नतीजे आए थे। और पिछले क्वार्टर्स, उससे पहले के क्वार्टर्स के अगर हम नतीजे देखेंगे तो बैंक को नुकसान हो रहा था। मार्च में इन्होंने 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया था और तब मैंने कहा था कि इसका जो ट्रेंड है, अब ये पॉजिटिव हो सकता है, अब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। पहली बार मैंने तब खरीदारी करने की सलाह दी थी। उससे पहले भी मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर वीडियोज बनाए थे, लेकिन उससे पहले हर बार मेरी यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह थी। मैंने हमेशा कहा था कि इस शेयर को अवॉइड करें, लेकिन मार्च 2020 में जब अच्छे नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए, तब 5वें महीने के एंड में उसका जब रिजल्ट आया था, तब मेरी खरीदारी की सलाह थी। और उसके बाद जून के जो इसके नतीजे आए वो भी बेहतर आए, सितंबर के अच्छे आए और दिसंबर के और बेहतर आए। और शेयर आप देखिए, उन नतीजों की बदौलत अब ऊपर की तरफ जा रहा है और जो 3 साल का जो लो का टाइम चल रहा था, अब उससे ऊपर निकल चुका है। ये अपने 3 साल के हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये मैंने आपको हर बार कहा था कि पहले ये अपना 1 साल का जो हाई है उसको तोड़ेगा और बाद में 3 साल का जो हाई है उसको तोड़ेगा, और ये उसको तोड़कर आगे निकल चुका है। अब आने वाले दिन में और बेहतर तेजी भी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखने जाए तो 8.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FIs और म्यूचुअल फंड दोनों ने खरीदारी की है। 11.57% की होल्डिंग FIs के पास है, 2.85% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने नाम मात्र की होल्डिंग अपनी बेची है, 0.54% की होल्डिंग उनके पास है, जो पहले 0.59% की देखने को मिल रही थी। प्रमोटर यहां पर है IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, 40% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम और 150 जितने FIs का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.57% के आसपास है। डिविडेंड इन्होंने आखिरी बार 2018 में पे किया था। आज हमने सबने देखा कि IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में दमदार रैली थी, जबकि आज अगर पूरे दिन में अगर हम देखें तो मार्केट में गिरावट थी। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक और काफी सारे जो PSU बास्केट थे उसमें बहुत बहुत बड़ी तेजी थी। हालांकि PSU की जो तेजी थी वो इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर थी, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक एक ऑलरेडी प्राइवेट बैंक है और इसमें जो जो तेजी थी उसकी वजह थी इसकी फंड रेजिंग।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो फंड रेजिंग है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो बोर्ड है वो कल मिलने वाला है और फंड रेजिंग की यहाँ पर बातचीत होगी, और इसी के चलते शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिल रही है। अगर अच्छी फंड रेजिंग होगी तो ये बहुत ही बेहतर चीज है इस बैंक के लिए, और देखने वाली बात है कि किस तरीके की फंड रेजिंग होती है और कितने तक की फंड रेजिंग का इनका प्लान है। दूसरी बात यहाँ पर यह कि टेक्निकल रेटिंग अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर तो अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर दौड़ सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं, मतलब 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। सिर्फ 11% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेच के निकलने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे तो वो है इनके रेवेन्यूज, रेवेन्यू इनके इंटैक्ट है, तकरीबन 4,000 करोड़ के रेवेन्यू एवरेज आपको देखने को मिलेंगे पिछले 5 क्वार्टर में। लेकिन अच्छी बात है इनके प्रॉफिट्स, आप देखिए कम बैंक जो है वो मार्च 2020 से पहले के क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो बड़े नुकसान देखने को मिलते थे, लेकिन मार्च 2020 में 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया, और ये वो वक्त था जहां पर मैंने खरीदारी की सलाह दी थी। उसके बाद तेजी आई, 100 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद दोबारा सितंबर में 109 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार दोबारा तकरीबन 135 से 140 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़िया ग्रोथ है, पहली चीज पॉजिटिव साइन है, क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़िया ग्रोथ है। दूसरा अच्छा चीज, बैंक के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो फ्यूचर में इनको एक बड़े बैंक के तौर पर स्थापित करने वाले हैं, जैसे कि इन्होंने हाल फिलहाल में क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री करी है, और काफी सस्ते रेट पर आपको क्रेडिट कार्ड इनके मिल भी रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम है बाकी बैंकों के मुकाबले, और कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि आजकल हम सब देखते हैं कि भैया जो डेबिट और जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जरूरत आज के वक्त में नेसेसिटी बन चुकी है, खास करके अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो नेसेसिटी है। कई सारी बैंक से क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, इवन ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर रेस्टोरेंट में बिल पे को करने की बात हो तो वहां पर क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो मूव है हाल फिलहाल में जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में, ये एक पॉजिटिव मूव इनका मूव है, और आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन इनका साबित होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बैंक पैसा कमा रही है, नुकसान नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और एक और चीज अगर हम यहाँ पर नोट करें तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रही है, और ऐसे में अगर किसी सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए या फिर उस इकोनॉमी को यूटिलाइज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग सेक्टर होता है। तो बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिनों में फोकस में रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा बैंक है, तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही सूरतों में ये मुझे अभी पॉजिटिव लग रहे हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले ये अपना 1 साल का हाईस तोड़ेगा, बाद में ये 3 साल का हाईस तोड़ेगा, और 3 साल का हाईस ऑलरेडी तोड़ चुका है, तो मुझे लगता है कि जो इसका ऑल टाइम हाई है तकरीबन तकरीबन 81 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई है, तो उसकी तरफ ये शेयर आगे जरूर बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में 60 रुपए का टारगेट यहाँ पर है, और लॉन्ग टर्म मतलब बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ये 75 रुपए तक जाने का दमखम भी रखता है यहाँ से। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है कि आपको इसमें अभी भी बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और लेकिन हाँ बीच में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन गिरावट में हर बार आपके पास मौका होगा थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करने का। इसीलिए किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो, अगर 1,000 खरीदे तो दो पहले से 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आती है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आती है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके, कोई ट्रेंड भागी नहीं जा रही है। डेफिनेटली इसने पिछले कुछ वक्त में एक बड़ी रैली दिखाई है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ी सी गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी कुछ वक्त बाद, लेकिन वो जो गिरावट होगी वो आपके पास मौका होगा थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करने का। पैनिक में आकर बेचने की गलती मत करना, बल्कि थोड़ी और क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, और इसको आप कम से कम 3-4 साल के लिए कैरी करिए। अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है यहाँ पर निवेशित रहने का तो ही आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, मतलब एंट्री लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी दौड़ चुका है, तो हो सकता है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, तो उस प्रॉफिट बुकिंग में पैनिक मत करना, बल्कि मौका होगा आपके पास थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करने का लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म में 60 रुपए का टारगेट है और लॉन्ग टर्म में 75 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।